देखने वाले हैं सबसेट क्या होते हैं। बेसिकली सबसेट का क्या मतलब होता है, देखो मान लो आपके पास कोई एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, और एक आपके पास कोई बी सबसेट है जिसमें कि दे रखा है 1, 2। तो अब देखो इसमें जितने एलिमेंट्स है उन्हीं में से दो एलिमेंट निकाल करके बी वाले सेट में दे रखा है ठीक है, तो क्या मैं इस बी को इस ए का सबसेट बोल सकती हूँ। सबसेट का मतलब क्या होता है वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई एक सेट दे रखा है ना, वो आप समझ लो कि यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये समझ लो कि कोई एक सेट है ना, जिसको कि हम एज अ बेस मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, उसी से आपको उसके और सेट बनाने हैं, जैसे सी सेट बनाना है, डी सेट बनाना है, आपको एलिमेंट्स यही यूज करने हैं। इसके ना अलावा कोई और एलिमेंट्स यूज होंगे ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट्स यूज नहीं करने। तो यहाँ पे आप 1, 2 बना सकते हो, कोई एक सी मान लो 3, 2 हो गया, कोई डी आपका मान लो 2, 1 हो गया, या कोई ई आपका, कोई ई आपका सेट क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या ये सारे के सारे इसके सबसेट हो, क्योंकि इसी से निकल के आए हैं ये सारे, तो हम क्या लिखेंगे B इज सबसेट ऑफ A। अब A इसका क्या हो गया सुपरसेट ठीक है, ये समझ लो कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। सबसेट में क्या होते हैं जो सुपरसेट वाला है, मान लो A आपका सुपरसेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स यूज हो, सारे एलिमेंट्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स उसे निकाल करके B बना है, उससे कहीं बाहर नहीं जाना है, सिर्फ वही एलिमेंट्स को यूज करना है ठीक है। तो ये क्या होता है आपका सबसेट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉपर सेट क्या होता है।